29 जुलै रोजी मोफत ब्लड मॅच ॲपचे उद्घाटन करणार आहेत. थॅलिसिमिया आणि सिकल सेल हे गंभीर आजार आहेत. थॅलिसिमियाग्रस्त रुग्णांना दर 15 ते 20 दिवसांनी रक्त द्यावे लागते आणि आयुष्यभर महागडी औषधे घ्यावी लागतात. याबाबत पत्रपरिषद घेऊन अधिक माहिती दिली आहे. सिकल सेल आजाराने ग्रस्त रुग्णांना हातपाय आणि अंगात दुखत असल्याने त्यांना अनेकदा रुग्णालयात दाखल करावे लागते आणि काही वेळा रक्त द्यावे लागते. थॅलेसिमिया आणि सिकल सेल सोसायटी ऑफ इंडिया गेल्या 25 वर्षापासून या आजारांवर उपचार आणि प्रतिबंध यासाठी मोफत काम करत आहे. संस्थांद्वारे नागपूर शहरात थॅलेसिमिया आणि सिकल सेल केंद्राची स्थापना करण्यात आली असून त्यामध्ये थॅलेसिमिया आणि सिकल सेलच्या रुग्णांना मोफत सल्ला, मोफत रक्त संक्रमण आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल रुग्णांना मोफत औषधेही दिली जातात. हे रोग अनुवंशिक रोग आहेत जे पालकांकडून मुलांकडे जातात. म्हणूनच लग्नाआधी प्रत्येक मुलामुलीमध्ये थॅलेसिमिया किंवा सिकल सेल नसल्याची खात्री करून घ्यावी. संस्थेने एक अनुवंशिक डिजिटल ॲप तयार केले आहे ज्यामध्ये सिकल सेल आणि थॅलेसिमियाच्या अहवालाची नोंद केल्यानंतर त्याच्या थॅलेसिमिया आणि सिकल सेल स्थितीबद्दल तपशीलवार माहिती मिळेल. आगामी काळात त्यांना कोणत्या अडचणींना सामोरे जावे लागू शकते याचीही माहिती मिळणार आहे. त्यासोबतच त्याला कोणत्या जोडीदाराशी लग्न करायचे आहे आणि कोणाशी करायचे नाही याचीही माहिती दिली जाईल. या ॲपच्या माध्यमातून तुमच्या भावी आपत्त्याला थॅलेसिमिया आणि सिकल सेल या गंभीर आजारांनी ग्रासलेले नाही हे कळू शकते. आपल्या देशात थॅलेसिमिया आणि सिकल सेलचे लक्षण असलेले 5 कोटीहून अधिक लोक आहेत. इंडियन मेडिकल असोसिएशनचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सहजानंद प्रसाद सिंग हे प्रमुख पाहुणे असतील. या कार्यक्रमात थॅलेसिमिया रुग्ण, सिकल सेल रुग्ण आणि त्यांचे कुटुंबीय तसेच देशभरातील सेवाभावी डॉक्टरही उपस्थित राहणार आहेत. देशभरातून येणाऱ्या प्रत्येक डॉक्टर आणि मान्यवरांचे कार्यक्रमानंतर श्री मनोजजी भागवत यांच्याशी चर्चासत्र आयोजित करण्यात आले. थॅलेसिमिया और सिकल सेल या बीमारिया गंभीर बीमारिया हम सब जानते हैं. थैलेसीमिया खास करके जिसमें बार बार ब्लड देने की ज़रूरत पड़ती है. सिकल सेल ऐसी बीमारी है जिसमें इतना शरीर में दुखता है कि उसको कई बार उस पेशेंट को और बच्चों को एडमिट होना पड़ता है. और यह बीमारियां जो है वो आनुवंशिक बीमारियां हैं, यानी माता पिता से बच्चे में आती है. और इस कारण इन बीमारियों को पूरी तरीके से हम रोक सकते हैं. इन बीमारियों को रोकने के लिए जो है वो बहुत ज़रूरी है कि हम सभी की थैलेसीमिया माइनर और सिकल सेल ट्रेट की जाँच सबकी होनी चाहिए. और हम लोगों ने एक प्रयास ऐसा अभी किया है जिससे हम इस बीमारी पर रोकथाम लगा सकें, जिससे कि हम यह चाहते हैं कि हमारा देश जो है वो सिकल सेल और थैलेसीमिया मुक्त हो. और यह जो एप्लीकेशन हमने जो तैयार की है डिजिटल एप्लीकेशन, वो ऐसी ही एप्लीकेशन है जो इसी योजनाबद्ध है, जिसमें कि हम यह करेंगे कि कोई भी व्यक्ति जो है उसका जैसे ही रिपोर्ट इस ऐप में डालेगा वो, उदाहरण के तौर पर अगर वो AS डालता है तो उसको सारी जानकारी मिल जाएगी, उसको एक ऑडियो मिल जाएगा कि आपको जो प्रॉब्लम है वो कितना तक का प्रॉब्लम है, आपको बीमारी है या नहीं है, और अगर आप शादी किससे कर सकते हैं, किसी किस पैटर्न वाले व्यक्ति से कर सकते हैं, क्या आप शादी नॉर्मल से कर सकते हैं, क्या AS से कर सकते हैं. अगर आप AS से करेंगे तो आपके बच्चों में SS यानी कि सिकल सेल होने की संभावना कितनी होगी, तो ये सारी जानकारी इस ऐप के द्वारा मिलेगी. इसके बाद इस ऐप में जो है वो मैचिंग भी किया जा सकता है, यानी आप जो आपकी जो रिपोर्ट है वो आप समझो कोई लड़का है वो किसी लड़की से शादी करना चाहता है, वो अपनी सिकल सेल और थैलेसीमिया की रिपोर्ट जो है उसमें फीड करेगा. उसके बाद में उस लड़की की रिपोर्ट जैसे ही फीड होगी ऑटोमेटिकली उसको रिजल्ट आ जाएगा कि आप इस प्रकार से शादी करेंगे तो ये तकलीफ हो सकती है, मतलब आपको ये प्रॉब्लम आ सकता है, तो आपको शादी करना रिकमेंडेड है या नहीं है. तो इस प्रकार से हम यह ऐप के द्वारा, यह यूनिक ऐप है, पूरे देश में पहली बार बना है, और यह जो ऐप है इसका उद्घाटन जो है वो माननीय सरसंघचालक जी मोहन जी भागवत उनके हाथ से होगा. हमें बहुत खुशी की बात है कि वो इस कार्यक्रम में आ रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि थैलेसीमिया और सिकल सेल इन बीमारियों को रोकने के लिए यह इसकी जानकारी और इसकी अवेयरनेस जो है वो पूरे देश भर में और विश्व भर में जाए. और मोहन जी जब इस कार्यक्रम में आएंगे तो निश्चित तौर पर यह जानकारी पूरे विश्व में और पूरे देश में जरूर जाएगी. इस कार्यक्रम में जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के नेशनल प्रेसिडेंट है, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो भी इस कार्यक्रम में, सहजानंद प्रसाद सिंह जी वो भी इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं. हमने VKB न्यूज साठी कैमेरा पर्सन रोशन बोकड़े सह वैदही चव्हाण यांची रिपोर्ट.
बॉस ने मीटिंग बुलाई। बाहर बाहर उठो बैठो। तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार। कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com।